नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आज हमारे सामने है इधर है आपका पल्सर 125 का टॉप वेरिएंट, इधर है पल्सर 150 का टॉप वेरिएंट। तो आज मैं पल्सर 125 एंड पल्सर 150 का एक डिटेल कंपैरिजन वीडियो करने वाला हूँ। तो दोनों बाइक में आपको क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलता है, दोनों बाइक में आपको क्या क्या सिमिलैरिटीज देखने को मिलता है, आपके लिए कौन सा बाइक सूटेबल हो सकता है, सब कुछ डिटेल में आज इस वीडियो के दौरान मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। और वेरी स्पेशल थैंक्स टू रोल्टा बजाज कोलकाता। आप अगर वेस्ट बंगाल के रहने वाले हो तो डेफिनेटली आप रोल्टा बजाज कोलकाता में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। शोरूम का डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी दोनों बाइक का इंडिविजुअल डिटेल वॉकआउट मेरा चैनल पे ऑलरेडी लाइव है। आप लोग अगर डिटेल वॉकआउट स्पेसिफिक कोई बाइक का देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे डिटेल्स जो है मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल पल्सर 125 का वेरिएंट से। तो पल्सर 125 जो है टोटल चार वेरिएंट के साथ आता है। एक जो है इसमें जो है आपका ड्रम वेरिएंट भी आता है, ठीक है, ड्रम विथ सिंगल सीट, ड्रम विथ स्प्लिट सीट। नेक्स्ट जो है आपका सिंगल डिस्क विथ सिंगल सीट, सिंगल डिस्क विथ स्प्लिट सीट। ये जो है टॉप वेरिएंट है, इसी का प्राइस सबसे ज़्यादा है। और ये जो पल्सर 150 है ये टोटल तीन वेरिएंट के साथ आता है। एक जो है आपका नियॉन वेरिएंट और एक जो है स्टैंडर्ड वेरिएंट और ये जो है टॉप वेरिएंट मतलब डुअल डिस्क विथ स्प्लिट सीट। कलर स्कीम दोनों बाइक का डिफरेंट मिलता है। पल्सर 125 में आपको टोटल तीन कलर स्कीम देखने को मिलता है। ये जो कलर आप देख पा रहे हो ये है सोलर रेड, उसको छोड़ के और दो कलर आता है, नियॉन सिल्वर, नियॉन ग्रीन। और ये जो ट्विन डिस्क आप देख पा रहे हो इसमें तीन कलर देखने को मिलता है, स्पार्किल ब्लैक रेड। ये जो कलर आप देख पा रहे हो ये है स्पार्किल ब्लैक रेड, को छोड़ के और दो कलर आता है, सफ़ायर ब्लैक ब्लू और स्पार्किल ब्लैक सिल्वर। प्राइस की अगर बात करें तो पल्सर 125 का जो टॉप वेरिएंट है इसका प्राइस है लगभग 90,707 रुपीस एक शोरूम प्राइस। और ऑन रोड प्राइस की अगर बात करें तो 110,969, ऑलमोस्ट आपका 111,000 के आसपास आपका इसका टॉप वेरिएंट का प्राइस कोलकाता में ऑन रोड देखने को मिल सकता है। ट्विन डिस्क की बात करें तो इसका जो प्राइस है 114,627 रुपीस एक शोरूम प्राइस, ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 137,448 रुपीस ऑन रोड कोलकाता प्राइस है ट्विन डिस्क वेरिएंट का। तो पल्सर 125 का जो सामने का प्रोफाइल है और पल्सर 150 का जो सामने का प्रोफाइल एकदम ही सिमिलर है, बस स्टिकरिंग में डिफरेंस है। दोनों में आपको हेलोजन हेडलाइट सेटअप देखने को मिलता है। 125 में भी आपको हेलोजन हेडलाइट सेटअप और इधर 150 में भी आपको पूरा हेलोजन हेडलाइट सेटअप। दोनों का एक बार डीपर दबा के मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सो आप यहाँ पे देख पा रहे हो दोनों का हेडलाइट जो है एकदम सिमिलर है। इनफैक्ट बल्ब टर्न इंडिकेटर आपको दोनों में सिमिलर देखने को मिल जाएगा, जो डेफिनेटली फ्लेक्सिबल है। स्टिकरिंग में डिफरेंस है, इसका जो स्टिकरिंग आप यहाँ पे देख पा रहे हो काइंड ऑफ आपको मेटालिक फिनिश विथ कार्बन फाइबर टेक्सचर स्टिकरिंग दी गई है। वही अगर पल्सर 125 की बात करें तो ये सिंपल आपको ग्लॉस ब्लैक में, ग्लॉस ब्लैक वाइजर एक्चुअली दोनों का मिलता है, लेकिन स्टिकरिंग जो है इसमें आपको आप देख पा रहे हो ग्रे एंड रेड थोड़ा बहुत आपको स्टिकरिंग देखने को मिल जाएगा। बजाज का लोगो आपको दोनों में देखने को मिल जाएगा। दोनों में आपको टिंटेड मीटर सील दी गई है, इसमें भी आपको टिंटेड मीटर सील देखने को मिल जाएगा। सस्पेंशन की अगर बात करें तो 125 में, पल्सर 125 में आपको 31mm टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है। वही अगर ट्विन डिस्क की बात करें तो इसमें आपको 37mm टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड और जो नियॉन वेरिएंट है उसमें भी आपको 31mm टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ही मिलता है। तो सस्पेंशन जो है ट्विन डिस्क वेरिएंट में थोड़ा आपको मोटा चंकी सस्पेंशन मिलता है। बाकी ये जो मडगार्ड आप देख पा रहे हो एकदम प्लेन मडगार्ड है 125 में, और ये जो पल्सर 150 में आपको यहाँ पे देख पा रहे हो इसमें भी आपको फाइबर का ही मडगार्ड मिलता है, लेकिन ये मडगार्ड जो है थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा बल्कि दिखता है। इधर इधर से आप ये पोर्शन देख पा रहे हो वो जो है पल्सर 125 में आपको एकदम प्लेन मडगार्ड दी गई है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये जो है थोड़ा बल्कि दिखता है और थोड़ा मोटा भी मडगार्ड यहाँ पे दी गई है। फाइबर का दोनों का आपको मिल जाता है। इधर आपको कार्बन फाइबर टेक्सचर थोड़ा देखने को मिल जाएगा, जो बेसिकली स्टिकरिंग है, और इधर भी आपको थोड़ा रेडिश जोन दी गई है, जिसके कारण बाइक जो है देखने में और भी ज़्यादा स्पोर्टी लगता है। बाकी जो है रिफ्लेक्टर आपको दोनों बाइक में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर ब्रेक सिस्टम की बात करें तो ये जो 125 है इसमें आपको सामने में 240mm का डिस्क मिलता है विथ कॉम्बी ब्रेक सिस्टम के साथ। रियर ब्रेक अगर आप अप्लाई करोगे फ्रंट ब्रेक जो है ऑटोमेटिक इंगेज होगा। कैलिपर आई गेस एंड्योरेंस का कैलिपर है, कोई भी ब्रांडिंग नहीं है। पल्सर 150 ट्विन डिस्क की बात करें तो 280mm का डिस्क मिलता है, सो बहुत ही बड़ा रोटर यहाँ पे दी गई है। कैलिपर आई गेस ए भी एंड्योरेंस का ही होगा, और इसमें सामने में आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है, तो ABS सामने में आपको दिख रहा होगा। और लेकिन इसका जो नियॉन एंड स्टैंडर्ड वेरिएंट है उसमें आपको 260mm का मिलता है। और टायर प्रोफाइल में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। C8 जूम का टायर आपको दोनों में मिल रहा है, वो जो है लॉट वाइज डिफरेंट भी होता है, कभी MRF भी मिलता है, कभी C8 भी मिलता है, कभी यूरो ग्रिप भी मिलता है। लेकिन इसका जो टायर प्रोफाइल है ना 80/117 का ट्यूबलेस टायर मिलता है 125 में, पल्सर 125 में। वही अगर 150 की बात करें तो
90x90 17 का आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है, लेकिन इसका जो सिंगल डिस्क वेरिएंट है उसमें आपको सेम टायर मिलता है, सामने में भी सेम मिलता है, पीछे में भी सेम मिलता है। जो मतलब नियॉन और जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है उसमें भी आपको सामने में 80x100 मिलता है, पीछे में आपको 100x90 मिलता है। इसका भी पीछे 100x90 दी गई है पल्सर 125 में। दोनों का टायर एकदम आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है। रिम का डिज़ाइन भी काफ़ी मिलता जुलता है और स्टिकरिंग थोड़ा डिफरेंट दी गई है। इधर इसका जो रिम के साइड पे स्टिकरिंग थोड़ा डिफरेंट मिलता है और पल्सर 150 में जो रिम का स्टिकरिंग है ये थोड़ा आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। टैंक 15 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी दी गई है। पहले इसमें आपको 11.5 लीटर का मिलता था, लेकिन अभी जो है मैं बजाज की ऑफिशियल वेबसाइट से चेक करके आपको बता रहा हूँ, इसमें आपको 15 लीटर का मतलब पल्सर 125 में आपको 15 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी दी गई है। आप लोग जरूर वेबसाइट विजिट करके चेक कर सकते हो। बाकी टैंक पैड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। माइलेज की अगर बात करें तो चलिए पहले इसका भी फ्यूल टैंक के बारे में बता देते हैं। इसमें भी आपको 15 लीटर का ही फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलता है। टैंक काउल जो है आपको दोनों बाइक में देखने को मिल जाएगा, जिसके कारण बाइक जो मतलब टैंक पोर्शन है वो और भी ज़्यादा बल्की दिखता है। पल्सर का 3D एम्ब्लेम आपको दोनों में देखने को मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा डिफरेंट टोन में। इधर जो पल्सर का एम्ब्लेम है आपको सिल्वर विद ब्लैक फिनिश दी गई है, वही अगर पल्सर 125 की बात करें तो यहाँ पे आपको थोड़ा ऑरेंज ब्लैक विथ सिल्वर फिनिश दी गई है। लेकिन ये जो कलर आप देख पा रहे हो ये पल्सर 125 का जो कलर है पूरा ग्लॉस कलर, टैंक पोर्शन काउल पोर्शन पूरा ग्लॉस फिनिश। वही अगर पल्सर 150 की बात करें ये थोड़ा आपको स्पार्कल ब्लैक फिनिश पूरा आपको ये काउल टैंक हर जगह आपको देखने को मिलेगा। बाकी स्टिकरिंग वर्क जो है थोड़ा डिफरेंट तो देखने को ऑब्वियसली मिलेगा। टैंक पैड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कार्बन फाइबर टेक्सचर के साथ। पल्सर 125 का स्टिकरिंग कुछ आपको ऐसा दिखेगा, ये भी देखने में मतलब 125 सीसी वाइज काफ़ी स्टाइलिश दिखता है। बाकी इसका माइलेज की अगर बात करें तो 50 kmpl का माइलेज पल्सर 125 से आपको आराम से मिलने वाला है। फिलहाल के लिए इग्निशन को करते हैं बंद। 150 की अगर माइलेज की बात करें तो 40 से 45 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज इस 150 से आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। दोनों में आपको स्प्लिट सीट दी गई है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो दोनों में आपको स्प्लिट सीट मिलता है और कंफर्ट वाइज भी ऑलमोस्ट सेम ही है, बट थोड़ा आपको यहाँ पे हो सकता है देखने में थोड़ा डिफरेंट लग सकता है क्योंकि इसमें जो है ऑलरेडी एक कवर चढ़ाया गया है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो अलग से मिलता है एक कवर। बाकी सीट कम्फर्ट दोनों बाइक का एकदम सिमिलर है, कम्फर्ट वाइज नो डाउट टॉप नॉच है। सीट वाइड भी है लेकिन लंबा भी है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। स्प्लिट ग्रैब ग्रिल आपको दोनों में देखने को मिल जाएगा। स्टिकरिंग वगैरह जो है थोड़ा डिफरेंट मिलता है, इधर आपको 150 का स्टिकरिंग ऐसे आपको मिलता है कार्बन फाइबर टेक्सचर के साथ रेडी स्टोन यहाँ पे थोड़ा आपको स्टिकरिंग देखने को मिलेगा। वही अगर 125 की बात करें इसका स्टिकरिंग कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ये जो पैनल आप देख पा रहे हो ना पल्सर 125 का, ये पैनल आपको पूरा कार्बन फाइबर टेक्सचर वाला पैनल यहाँ पे दी गई है, जो देखने में काफ़ी सही लगता है। वही अगर 125 की बात करें तो यहाँ पे आपको प्लेन ग्लॉस फिनिश दी गई है। नेक्स्ट मेन चीज़ आते हैं इंजन के बारे में। इंजन दोनों बाइक का देखने में एकदम सिमिलर लगेगा, लेकिन अंदर जो बोर स्ट्रोक है वो सब सीसी वाइज जो है डिफरेंट देखने को मिलेगा। पल्सर 125 के अगर इंजन की बात करें तो इसमें आपको 124.38 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल BS6 कंप्लाइंट इलेक्ट्रॉनिक्स कार्बोरेटर इंजन यहाँ पे दी गई है, जो डेफिनेटली 2-valve विथ DTSI इंजन है, बजाज DTSI का ब्रांडिंग जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। पावर फिगर की अगर बात करें तो 11.8 PS पावर जनरेट करता है और 10.8 Nm का टॉर्क मिलता है इस इंजन से। 5-speed गियरबॉक्स के साथ आता है। इधर आपको किक स्टार्ट भी मिल जाता है। वही अगर पल्सर 150 ट्विन डिस्क की बात करें इसमें आपको 149.50 सीसी का इंजन मिलता है, जो इंजन एकदम 125 से सिमिलर दिखता है बाहर से, लेकिन पावर वाइज यहाँ पे आपको डिफरेंट मिलता है। ये एक्चुअली सिंगल सिलेंडर 4-stroke 2-valve ट्विन स्पार्क BS6 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है। 14 PS का पावर जनरेट करता है, 13.25 Nm का टॉर्क मिलता है पल्सर 150 से। बाकी इसमें जो है किक स्टार्ट आपको ट्विन डिस्क वेरिएंट पे नहीं देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड और जो नियॉन वेरिएंट है उसमें आपको किक स्टार्ट देखने को मिल जाएगा। दोनों इंजन जो है एयर कूल इंजन है, दोनों इंजन जो है 5-speed गियरबॉक्स के साथ आता है। इंजन काउल आपको दोनों बाइक में देखने को मिल जाएगा, लेकिन डिफरेंट स्टिकर के साथ कैटालिटिक कन्वर्टर भी आपको दोनों बाइक में देखने को मिल जाएगा। क्रैश गार्ड भी यहाँ पे दी गई है। रबर कोटेड फुटपैक यहाँ पे दोनों बाइक में देख पा रहे हो, लेकिन ब्रेक लीवर जो है रियर ब्रेक लीवर थोड़ा डिफरेंट मिलता है कम्यूटर बाइक की तरफ। ये रियर ब्रेक लीवर आपको 125 सीसी में देखने को मिलता है। वही अगर
पल्सर 150 की बात करें तो थोड़ा स्पोर्टी बाइक की तरफ ब्रेक लीवर मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस दोनों बाइक का एकदम सेम है, 165 mm दोनों बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस है, लेकिन वेट में काफी डिफरेंस है। पल्सर 150 ट्विन डिस्क की अगर बात करें तो इसका वेट है 150 kg, वही अगर पल्सर 125 की बात करें तो इसका वेट है 142 kg। सीट हाइट में थोड़ा डिफरेंस है, जैसे मेरे को वेबसाइट से मालूम चला है ये जो 150 है इसका आपका सीट हाइट अप्रोक्सीमेटली 785 mm के आसपास पल्सर 150 ट्विन डिस्क का सीट हाइट है, और पल्सर 125 का जो सीट हाइट है अराउंड 790 mm अप्रोक्सीमेटली। मैं आपको बता रहा हूँ वेबसाइट से जो मेरे को पता चला है वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी आपका हाइट अगर 5'4" भी है तब भी आप दोनों बाइक को आराम से चला सकते हैं। ऑल ब्लैक फिनिश में आपको पूरा एग्जॉस्ट मिलता है, दोनों का एकदम सिमिलर एग्जॉस्ट है, लेकिन आपको पावर डिफरेंट मिलता है तो एग्जॉस्ट साउंड में भी थोड़ा आपको डिफरेंस डेफिनेटली देखने को मिलेगा। सस्पेंशन की अगर बात करें दोनों में आपको एंड्योरेंस की तरफ से यहाँ पे ट्विन नाइट्रॉक शॉक एब्जॉर्बर देखने को मिल जाएगा। दोनों सस्पेंशन जो है मतलब दोनों का सस्पेंशन जो है एडजस्टेबल है, आई गेस 5 स्टेप एडजस्टेबल है, तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। बाकी बॉक्स कटिंग स्विंग आर्म आपको दोनों में देखने को मिलेगा, लेकिन इसका जो स्विंग आर्म है थोड़ा छोटा पतला स्विंग आर्म यहाँ पे दी गई है। वही अगर पल्सर 150 की बात करें तो इसका स्विंग आर्म जो है थोड़ा बल्कि दिखता है और भी थोड़ा पोटी दिखता है इसका जो स्विंग आर्म है। नेक्स्ट अगर 150 की रियर ब्रेक की बात करें तो 150 में आपको पीछे में 230 mm का डिस्क मिलता है विथ आपको यहाँ पे RLP सेंसर दी गई है। पल्सर 125 में आपको कोई भी डिस्क नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है, कॉम्बी ब्रेक सिस्टम के साथ आता है। टायर प्रोफाइल की अगर बात करें तो पीछे में आपको 125 में 100x90 का टायर मिलता है, 17 इंचेस के अलॉय व्हील के साथ ट्यूबलेस टायर यहाँ पे दी गई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो टायर अगर भी देखने को मिल जाएगा। और पल्सर 150 की अगर बात करें तो इसमें आपको C8 जूम का टायर दी गई है, 120x80 17 का आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है, टायर जो है काफ़ी मोटा यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। टेल लाइट आपको दोनों का एकदम सिमिलर देखने को मिलेगा, पूरा ऑल LED टेल लाइट विथ बल्ब टर्न इंडिकेटर के साथ, बाकी इसका भी जो टेल लाइट है एकदम सिमिलर है। नेक्स्ट इसका जो साड़ी गार्ड एंड जो लेडीज़ फुट ड्रेस है आप यहाँ पे देख पा रहे हो, लेडीज़ फुट ड्रेस आपको अलग से ये कंपनी फिटेड मिल जाता है। ट्विन डिस्क की बात करें तो यहाँ पे आपको कोई भी लेडीज़ फुट ड्रेस कंपनी फिटेड नहीं मिलता, लेकिन इसका जो सिंगल डिस्क यानी जो स्टैंडर्ड और जो नियॉन वेरिएंट है उसमें आपको पिलियन फुट ड्रेस मिलता है। सारी गाड़ी यहाँ पे दिख रहा होगा, ओपन चेन है और 125 जो है पूरा कॉपर चेन है, तो ज़्यादा मेंटेनेंस वगैरह जो है नहीं। बाकी यहाँ पे 5-speed गियरबॉक्स आप देख पा रहे हो, 2 shifter हिल शिफ्टर दोनों शिफ्टर ही मिलता है, साइड स्टैंड एंड साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर दी गई है, फुल स्टैंड भी मिल जाता है। वही अगर पल्सर 150 की बात करें तो इसमें आपको सिर्फ 2 shifter मिलता है, वही स्पोर्टीनेस के कारण। बाकी इधर आपको फुल स्टैंड दिख रहा होगा, साइड स्टैंड एंड साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर इधर भी आपको देखने को मिल जाएगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात करें तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोनों का टोटली डिफरेंट देखने को मिलेगा। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ आपको ऐसा देखने को मिलता है, जैसे इंजन किल स्विच यहाँ पे ऑन करता हूँ, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दी गई, इधर आपको टैकोमीटर मिल जाता है, इंजन माल फंक्शन का सिग्नल, हाई शिफ्ट RPM लिमिट्स, साइज 10 गिरा है तो शो करता है। बाकी इसमें आपको इनिशियल फ्यूल इकोनॉमी, ट्रिप 1 में एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ट्रिप 2 में एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू MT इधर आपका फ्यूल गेज शो करता है, इधर आपका किलोमीटर पर आवर एंड सर्विस रिमाइंडर, और लो बैटरी बेसिकली जब आएगा यहाँ पे शो कर देगा, कार्बन फाइबर टेक्सचर आपको आउटसाइड में दिख जाएगा। टेल लाइट्स की अगर बात करें तो इधर आपको इंडिकेटर का सिग्नल मिलता है, न्यूट्रल का सिग्नल, हाई बीम ABS का सिग्नल दिख रहा होगा, रीसेट स्विच यहाँ पे दी गई है। वही अगर पल्सर 125 की अगर बात करें तो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ये भी सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इधर आपको मिलता है टैकोमीटर, RPM लिमिटर, ये जो है आपका फ्यूल गेज शो कर रहा है, साइज 10 गिरा है तो साइज 10 शो कर रहा है, ओडो ट्रिप 1 ट्रिप 2 भी आप देख पाओगे। इसमें आपको सर्विस रिमाइंडर नहीं देखने को मिलेगा, लो बैटरी का सिग्नल और बैकलाइट स्विच पैनल जो है आपको दोनों बाइक में देखने को मिल जाएगा। इधर इंजन किल स्विच, सेल बटन, हाई बीम लो बीम इंडिकेटर का स्विच, हॉर्न जो है सिंगल हॉर्न है एक्चुअली, इधर आपको डिपर बटन। क्लच की अगर बात करें तो 125cc वाइस क्लच मेरे को थोड़ा हार्ड लगा, ये पोर्शन आप 150 ट्विन डिस्क का देख लो और 125 का दिखा रहा हूँ, तो इसका ये पोर्शन देख लो, थोड़ा डिफरेंट हैंडल बार देखने को मिलेगा और 150 ट्विन डिस्क का हैंडल बार जो है थोड़ा वाइड है। बाकी बैकलाइट स्विच पैनल इसमें भी आपको मिल जाता है, इंजन किल स्विच, सेल बटन, हाई बीम लो बीम इंडिकेटर का स्विच, ट्विन हॉर्न है यहाँ पे, ट्विन हॉर्न मिलता है, उसमें आपको सिंगल हॉर्न मिलता है, डिपर बटन और क्लच, ये 150cc वाइज क्लच ठीक ठाक है। और मिरर जो है एकदम आपको सिमिलर देखने को मिलेगा, पहले 125 का आपको एग्जॉस्ट नोट सुना था। आपको 150 की अगर बात करें तो इसका एग्जॉस्ट नोट और भी थोड़ा बेसी एग्जॉस्ट नोट है, बहुत ही बेसी एग्जॉस्ट नोट है और रिफाइन भी है। थ्रॉटल रिस्पॉन्स जो है काफ़ी तगड़ा है ड्यू टू FI इंजन,
125 का भी थ्रॉटल रिस्पांस काफ़ी सही है, लेकिन ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स कार्बोरेटर के साथ आता है जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और बाकी इसमें FI सिस्टम नहीं है तो आपको फ्यूल वगैरह जो है उतना ज़्यादा मेंटेन तो करना नहीं पड़ेगा। लेकिन आप अगर पल्सर 150 ट्विन डीज लेते हो तो इसमें आपको थोड़ा बहुत तो फ्यूल मेंटेन करना पड़ेगा, लगभग 1.5 से 2 लीटर आपको फ्यूल मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि FI इंजन है तो FI पंप जो है बिना फ्यूल के वो फूक जाता है। मेन अभी मुद्दा टॉपिक पे आते हैं, वो है आपके लिए कौन सा बाइक सूटेबल हो सकता है। आप अगर सिटी में राइड करते हो, आपको उतना ज़्यादा पावर से मतलब नहीं है, आपको बस कंफर्टेबल राइड चाहिए, तो डेफिनेटली आप पल्सर 125 ले सकते हो। आपको अगर पावर भी चाहिए, पावरफुल ब्रेकिंग भी चाहिए, और आप थोड़ा बहुत अगर राइड वगैरह करते हो, वीकेंड टूर वगैरह करते हो, तो डेफिनेटली आपके लिए जो है पल्सर 150 ट्विन डिस्क काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि रोयल डिस्क के साथ आता है, सिंगल चैनल ABS भी मिलता है। 125 जो है एक कम्यूटर बाइक है, आप अगर सिर्फ सिटी में राइड करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप 125 को एकदम ले सकते हो। ये जो है माइलेज भी देगा और आपको लुक्स भी देगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये कंपैरिजन अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी आप लोग नीचे मेरे को जरूर कमेंट करके बताओ आपका फेवरेट कौन सा है, पल्सर 125 या फिर पल्सर 150 ट्विन डिस्क। मिलते हैं बहुत जल्द एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग सेफ रहें। टाटा गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।